Hello everyone. First of all, I want to tell you that I got late to make this video because of other works, school work. अब ये वीडियो समझने के लिए, ये पार्ट का समझने के लिए आपको फिर से सेकंड पार्ट एक बार फिर से लिसनिंग करना पड़ेगा. तो लिसन द सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट, और उसके बाद ये लिसनिंग करना है आपको, तो जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको. इन द सेकंड पार्ट वी हैड सीन दैट द राइटर Hari Singh had seen Anil putting the money under the mattress. तो राइटर ने देखा था कि अनिल को कुछ पैसे मिले हैं और अनिल ने वो मैट्रेस के नीचे रखे हैं. एंड राइटर हैड डिसाइडेड टू स्टील द मनी एंड टू गो बाय लखनऊ ट्रेन ओके एट 10:30. और राइटर ने डिसाइड किया था. तो यहाँ तक हमने देखा था. एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी. लुक एट, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रिस सर्चिंग फॉर द नोट्स. वेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट साउंड. अनिल सा इन हिज स्लीव एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी. आई वॉज स्टार्टल. स्टार्टल का मीनिंग होता है एस्टोनिश, थोड़ा शॉक होने लगा. एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम. तो राइटर पुट हिज हैंड अंडर द मैट्रिस टू टेक द मनी. अब अनिल वहां से, अनिल वॉज एस्लीफ, अनिल सो रहा था. और राइटर ने वो तकिए के नीचे जो पैसे थे वहां पे हाथ रखे वो निकालने के लिए. लेकिन जैसे अनिल, राइटर ने पैसे लेने की कोशिश की तो अनिल टर्न आउट ऑन हिज साइड. दर अनिल, राइटर वॉज शॉक्ड. तो राइटर को लगा कि शायद अनिल को पता तो नहीं चल गया. तो इसलिए जैसे उसने तुरंत पैसे लिए और वो रूम के बाहर, क्रॉल आउट मीन्स होता है कि इमिजिएटली राइटर गॉट आउट द रूम, तुरंत रूम के बाहर निकल पड़े. When I was on the road, I began to run. And now, as soon as the writer came on the road, he started to run. तो writer भागने लगे. I had the notes at my waist, held there by the string of pajamas. तो writer ने वो पैसे जो है वो पायजामे के string जो रहती है उसको बांध के वहां पे रख दिए. I slowed down to walk. और फिर बाद में धीरे धीरे चलने लगे. And count the notes. एंड नाउ राइटर काउंट द नोट्स. तो पैसे कितने हैं, तो राइटर ने जब काउंट किए तो राइटर को पता चला कि वो 600 रुपीज इन 50s, मीन्स 50-50 के नोट्स थे, टोटल 600 रुपीज. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच और अप फॉर अ वीक और टू. और राइटर के लिए वो इतने पैसे थे कि वो एक हफ्ते और दो हफ्ते एक अमीर पर्सन की तरह वो उनकी लाइफ जी सकते थे. When I reached the station, I did not stop at the ticket office, but dashed straight to the platform. अब राइटर जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो राइटर टिकट ऑफिस के वहां पे नहीं गए, डायरेक्टली राइटर वेंट टू द प्लेटफॉर्म. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. अब लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो जस्ट निकलने वाली थी. एंड द ट्रेन हैड टू स्टिल पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियज. अब यहाँ पर ये बताया कि राइटर वो इजिली, मीन्स मूविंग आउट मीन्स ट्रेन निकलने वाली थी, ट्रेन की स्पीड भी नहीं पकड़ी थी ट्रेन ने, तो राइटर इजिली वन ऑफ द कैरियज मीन्स वन ऑफ द कंपार्टमेंट में इजिली वो जा सकते थे. लेकिन यहाँ पर एक हमें एक ऐसे यहाँ पे पता चलता है कि लेकिन राइटर ने यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं बताई. वो क्यों नहीं बताई वो हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि राइटर खुद नहीं बता सकते कि वो क्यों जल्दबाजी नहीं कर रहे जाने के लिए. घर से जैसे पैसे चुराए तो राइटर यहाँ से बहुत ही स्पीडली यहाँ तक आए. लेकिन जब स्टेशन पे पहुंचे, सामने ट्रेन है, लेकिन फिर भी राइटर यहाँ पर में ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही कि वहां पर वो ट्रेन में जाए. तो राइटर सेज हिमसेल्फ, बट आई हेजिटेट फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और फाइनली देखो क्या हुआ है कि राइटर ने वो ट्रेन छोड़ दी. राइटर क्यों नहीं गए हैं वो ट्रेन में, राइटर खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे ये उनके साथ क्यों हुआ ऐसे. वॉट वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड. ओके, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. अब जब वहां से ट्रेन निकल गई थी तो देर वॉज नो बडी एट द प्लेटफॉर्म. डेजर्टेड प्लेटफॉर्म बताया है, डेजर्टेड का मीनिंग होता है Having nobody, कि वहां पर कोई नहीं था. राइटर वॉज हिमसेल्फ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब राइटर को समझ में नहीं रहा था कि अब ये नाइट में कहां पे जाए, कहां पे वो रात गुजारे. आई हैड नो फ्रेंड्स एंड राइटर हैड नो फ्रेंड्स. राइटर का तो कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि राइटर ऐसा बिलीव करते थे. क्या बिलीव करते थे,
दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि दोस्त जो रहते हैं, फ्रेंड्स जो रहते हैं, वो हेल्प तो करते नहीं लेकिन हमारे लिए मुसीबत हो जाते हैं, मुसीबत रहते हैं, ट्रबल्स रहते हैं हमारे लिए. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और राइटर वहां पर कोई होटल में कोई रुकना भी नहीं चाहते थे. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज दैट द मैन आई हैड रॉब्ड. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. एक्चुअली राइटर अब किसी को नहीं जानते थे, राइटर हैड नो फ्रेंड्स, बस राइटर एक ही पर्सन को जानते थे और वो पर्सन अभी एक ही पर्सन था और वो पर्सन को राइटर ने जस्ट रिसेंटली लूटा था और वो था अनिल. इसलिए लिविंग द स्टेशन, राइटर लेफ्ट द स्टेशन एंड राइटर स्टार्टेड टू स्लोली वॉक थ्रू द बाजार. तो बाजार से वो वहां से निकलते गए, चल पड़े. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अब देखो राइटर आप उनका खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताते हैं कि राइटर ने जो पर्सन को लूटा था या फिर जो पर्सन जिनके कुछ लूटा जाता है उनको, तो उनके चेहरे पे जनरली कैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसे रहती है, ये राइटर यहाँ पे हमें बताते हैं. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. ओके, मींस व्हेन द पर्सन लूज देयर गुड्स तो उनके रिएक्शंस कैसे रहते हैं, तो राइटर हमें बताते हैं कि लुक एट द रिएक्शंस. द ग्रीडी मैन शो फियर, जो लालची पर्सन रहते हैं उनके चेहरे पे डर दिखता है. द रिच मैन शो एंगर, जो अमीर लोग रहते हैं जब उनको लूटा जाता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनके चेहरे पे गुस्सा रहता है. द पुअर मैन शो एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब आदमी रहता है वो ये मान लेता है कि उसको लूटा गया, वो मान लेता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस. लेकिन राइटर को देखो, यहाँ पर राइटर को ऐसा लग रहा है कि लेकिन जब अनिल को पता चलेगा तो उसकी रिएक्शंस क्या रहेगी, उसके चेहरे पे ना तो डर रहेगा, उसके चेहरे पे तो ना तो एक्सेप्टेंस रहेगा, ना तो फियर रहेंगे. लेकिन यहाँ पे राइटर ये बताते कि जैसे अनिल को पता चलेगा चोरी के बारे में तो उसको बहुत दर्द होगा और उसको बहुत दुख होगा. इस बात का नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, उसे इस बात का दुख होगा कि जिस पर्सन पे उसने बहुत ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट था जो बिलीव था वो किसी ने तो तोड़ा है, इस बात का उसको बहुत दुख होगा. ओके, नॉर फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. पैसों का दुख नहीं होगा बट दुख होगा तो वो ट्रस्ट का होगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, द नाइट वॉज चिली. तो उसके बाद राइटर ओके मीन्स वेंट टू द मैदान, मीन्स ग्राउंड पर गए, वहां पर बेंच पे बैठे, थोड़ा सा सोचने लगे वहां पे. देन एंड दैट वॉज द अर्ली नवम्बर एंड यहाँ पर बताया कि लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. तो हल्की सी बारिश हो रही थी और हल्की की बारिश की वजह से, वो एटमोसफेयर की वजह से राइटर यहाँ पर ये बताया कि उसका जो डिस्कम्फर्ट है, मीन्स जो दर्द है, वो थोड़ा सा बढ़ने लगा. सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, थोड़ी देर में जोर से बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, राइटर का जो शर्ट है पायजामा वो भी भीगने लगे और भीगने की वजह से उसकी बॉडी को वो ओके स्टिक होने लगे. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, और जोर से वहाँ पे बारिश होने लगी. दैट इज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट. अब लास्ट पार्ट रिमेन बाकी है और लास्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है. थैंक यू वेरी मच.